हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा, बहुत लोग पढ़े होंगे कि लगभग 16 लाख अभ्यर्थी परेशान हैं 8 माह पहले निकली गई वैकेंसी और अभी तक अब 21 जुलाई तक नहीं होगी भर्ती परीक्षा। ये वास्तव में सही समाचार है कि लगभग मान के चलिए 2 महीना, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये 20 तारीख आज का 20 तारीख 20 मई का आज डेट है, रात को मैं बना रहा हूँ वीडियो इसको, और ये 21 जुलाई तक तो पूरा पैक है यार। इसके में तो कोई होने ही के चांसेस भी हमको नजर नहीं आते, क्योंकि एक आचार संहिता में हम अच्छी तरह जानते हैं कि विधानसभा आचार संहिता के कारण भी कुछ हमला रुका रहा। अब लोकसभा जो आचार संहिता 4 जून को तो रिजल्ट है, मतलब जून के पहला वीक दूसरा वीक तो मान के चलिए पूरा पैकअप रहेगा, नहीं होगा कोई एग्जाम। तो जून के पहला सप्ताह तो ऐसे ही चला गया, मतलब पूरा आपके इधर चला जाएगा। आशा ये था कि चलो भाई कि जून के लास्ट लास्ट में हो जाए, तो वो भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम है कि पहले से ही व्यापम पूरा पैकअप है, पूरा शेड्यूल पूरा बिछा हुआ है। अक्टूबर में वैकेंसी निकली थी, छात्रावास अधीक्षक के करीब 6 लाख लोग इसमें आवेदन कर चुके हैं। प्रयोगशाला तकनीशियन का भी निकला था, 2.5 लाख आवेदन कर चुके हैं। प्रयोगशाला परिचायक भृत्य के लिए निकला था, 7 लाख लोग आवेदन किए। मत्स्य निरीक्षक अपेक्स बैंक में भर्ती 1 लाख लोग आवेदन किए। इसके अलावा अपेक्स बैंक में अक्टूबर में जो एक स्थगित हुई थी परीक्षा आपको याद होगा, हालांकि 3 पोस्ट है उस पर अभी तक डेट फिक्स ही नहीं हुआ है। तो अब आगामी ये जो डेट देखा जाए कि भाई इनको कब हो सकती थी, 21 जुलाई जैसे बताया है कि 21 जुलाई तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, तो सही भी नजर आ रहा है। क्योंकि आप अगर यहां पर देखते हैं कि 21 जुलाई अगर बात किया तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है, व्यापम के ही जून जुलाई में आपका पीटी पीएमटी का पूरा होता है, प्री बीएड का एग्जाम है, इसके अलावा इंजीनियरिंग टेस्ट का है, प्री एमसीए प्री फार्मेसी टेस्ट 13 जून को है, पॉलिटेक्निक टेस्ट टीचर एजिलिटी टेस्ट 23 जून को है यहाँ पर, तो प्री बीएड और प्री डीएलएड 30 जून को यहाँ पर है, बीएससी पोस्ट बीएससी व एमएससी नर्सिंग 14 जुलाई को है, व्यापम 21 जुलाई को, राज्य पात्रता परीक्षा टेट के एग्जाम। तो 21 जुलाई तक तो पूरा जो व्यापम का पूरा शेड्यूल फिक्स है, तो उसके बीच तो यहाँ पर इतना ज्यादा लोग यहाँ पर भरेंगे इस एग्जाम को देने के लिए कि कोई व्यापम सोच नहीं सकता कि 21 जुलाई तक कोई एग्जाम कराए। मैंने एक मान के चलिए कि आज से आपका करीब 2 महीना, हाँ इसको आप पॉजिटिव में भी ले सकते हो यार, जिनका तैयारी नहीं है वो 2 महीना आपके पास, तो ऐसा मान के चलिए कि 2 महीने एग्जाम होगा नहीं यहां पर, तो मान के चलिए आप अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। जिनकी तैयारी हो चुकी है वो रिवाइज कर ले यहां पर, क्योंकि 21 तारीख के बाद अगर ये फ्री होता है, व्यापम फ्री होता है 21 जुलाई के बाद, तो मान के चलिए जुलाई के किसी भी सप्ताह या अगले जुलाई के लास्ट लास्ट में ये आपका एग्जाम शुरू कर देगा, लेना स्टार्ट कर देगा। मतलब आपके हाथ में मान के चलिए 2 माह आपके पास है, ज्यादा से ज्यादा 3 माह थी, इसको आपको निराश नहीं होना है, आपको इसमें पॉजिटिव में ही लेके चलना है। जो लड़के अच्छे से तैयारी कर चुके हैं वो और ज्यादा अच्छे से तैयारी करें, और ज्यादा अच्छे से तैयारी करके और एक पुस्तक पढ़ लिए तो दूसरा पुस्तक पढ़ लो, एक अगर आप जो कि पुस्तक को सॉल्व कर ले दूसरा कर लीजिए, मैंने पहले से आप और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश कीजिए। और जिनका नहीं हुआ है, जिनका तैयारी नहीं हुआ है, उनका फायदा उठा लो यार। तो इसको अपने को एक उसमें अवसर के रूप में अगर भुनाया जा सकता है, मान के चलिए जो जो बिल्कुल तैयारी नहीं है उनके लिए एक अवसर भी एक हो सकता है कि हर चीज को आप निराश ना होके एक अवसर के रूप में लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं मान के चलते हूँ एग्जाम तो आपका होना ही है, कभी ना कभी तो एग्जाम होगा ही, तो क्यों ना हम इसको एक अवसर के रूप में ले। तो अभी से भिड़ जाइए तैयारी में, भले 21 जुलाई के बाद हो, हमारे पास 2 महीना 2.5 महीने अपने पास समय है, तो आपका भिड़ जाना चाहिए तैयारी में। क्योंकि एक चीज अच्छे से याद रखेंगे, समय जो होता है आज सोए कल निकल जाएगा, आज सोए कल निकल जाएगा, जितने जल्दी फटाफट एक दिन आप गिनते रह जाएंगे भाई, तारीख पर तारीख आता चला जाएगा, समय निकल जाएगा, वो दिन भी आ जाएगा जिस दिन आपका परीक्षा होगा, आपको देने जाना होगा। क्यों सोते हो यार, अभी से फिर जाओ। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।